और चलिए रायपुर से बड़ी खबर। आज रायगढ़ दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे, रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में वो शामिल होंगे, रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री साय। रायपुर से बड़ी खबर, रायगढ़ दौरा उनका रहेगा, अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में भी वो शामिल होने जा रहे हैं। आज रायपुर से रायगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनका कार्यक्रम, अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में वो शामिल होंगे। अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, रोड शो भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें, रोड शो भी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रहने वाला है, रोड शो भी वो करेंगे। आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में वो शामिल होंगे, रोड शो भी उनका रहेगा। कई कार्यक्रम आज विष्णुदेव साय के रहने वाले हैं, रायगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, दौरों का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक दौरे उनके देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, अंकुश राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं, तो हरपाल रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश, मैं आपसे जानना चाहूंगी रायपुर से कितने बजे रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रायगढ़ जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और करीब 2:40 पर वो रायगढ़ पहुंचेंगे। उसके पहले का जो शेड्यूल है वो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन रायगढ़ पहुंचने का समय जो है वो जारी कर दिया गया है। एक बड़ा कार्यक्रम है रायगढ़ जिले का, चूंकि पहला दौरा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके साथ लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिड़ला, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रायगढ़ से ही बने अभी हाल ही में मंत्री बने हैं ओपी चौधरी, और हाल ही में मंत्री बने हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। ये तमाम जो अतिथि हैं वो रायगढ़ पहुंचेंगे और रायगढ़ में 2-3 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम यह है, तो कबीर चौक से एक रोड शो होगा और रोड शो जो है बीजेपी दफ्तर तक चलेगा, जिसमें तमाम अतिथि जो है वो शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो एक बड़ा रोड शो जो है वो रायगढ़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद रायगढ़ के सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सामाजिक लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रायगढ़ का जो कार्यक्रम है वो है लोकार्पण कार्यक्रम, और लोकार्पण कार्यक्रम की अगर बात करें तो अग्रोहा धाम, या यूं कहा जाए कि मध्य भारत का सबसे बड़ा भवन जो जिसका लोकार्पण होना है, उसमें अग्रवाल समाज के लिए सामाजिक जो भवन है वो बनाया गया है और उसका लोकार्पण आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। जैसे बड़ी अतिथियों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ओम बिड़ला, कई मंत्री और स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक जो है वो भी अतिथि के तौर पर वहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मध्य भारत के सबसे बड़े सामाजिक भवन की अगर हम बात करें तो रायगढ़ जिले के लिए अग्रवाल समाज के द्वारा ये बनाया गया है, और अग्रवाल समाज की अगुवाई में ये बड़ा भवन जो है वो प्रदेश के लिए, देश के लिए जो है समर्पित आज होता हुआ दिखाई देगा। तो बड़े आयोजन रखे गए हैं, और अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो लोकार्पण के बाद भी एक प्रेस वार्ता जो है वो भी रखी गई है, और प्रेस वार्ता के बाद रायगढ़ में ही उनका रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम रखा गया है। चलिए ठीक है अंकुश, बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हरपाल भी जुड़े हुए हैं रायगढ़ से, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। हरपाल देखिए बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है, रोड शो की भी तैयारी है, दूसरी तरफ अग्रोहा धाम जिसका विशेष महत्व माना जाता है, क्या कुछ भव्य तैयारियां रायगढ़ में आज की गई है मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा रहेगा साय का? जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय जी का यह पहला दौरा रहेगा, इसके लिए तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। जिस वक्त हम बता दें ये कबीर चौक है, इस इलाके में जो है मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। सड़कें आप देखिए पूरी तरह से पुलिस अलर्ट पर है, और इसके साथ ही बता दें जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी है वो भी विष्णुदेव साय के इस पहले दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। अगर बात करें अग्रोहा धाम के कार्यक्रम, तो अग्र समाज ने जिस तरह से अग्रोहा धाम भवन बनाया है वो वाकई मध्य भारत का सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक ये स्थल रहेगा, जहां पर लोग जो है अपने कार्यक्रम कर पाएंगे। अग्र समाज जो है इसको आज जो है लोकार्पण करेंगे इसमें, और विष्णुदेव साय के लिए रायगढ़ जो है पहली बार सीएम बनने के बाद आ रहे हैं, हालांकि वो लगातार यहां से सांसद रहे हैं,
और इसलिए जो है रायगढ़ में ज्यादा खुशी का माहौल है। रायगढ़ के जो कार्यकर्ता है वो अति उत्साहित है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ही बने हैं और वो राज्य जो है पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आएंगे और इसी रोड से जो है रोड शो होने वाला है। बता दें इसके लिए प्रशासन ने पुलिस से पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है और जो बैरिकेड्स है वो सारे तैयार कर लिए गए हैं। लगभग 3 बजे से यहाँ से रोड शुरू होगा, इसके लिए जो बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है और प्रशासन ने हर एक पहलू को ध्यान रखा गया है कि इस कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जो है तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल विष्णुदेव साय जी के कार्यक्रम के साथ ही जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आने वाले हैं अग्रोहा धाम को लेकर, तो इसके लिए जो है आज रायगढ़ में कई बड़ी तैयारियां हैं और बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। बिल्कुल, आज कई बड़े कार्यक्रम और कई भव्य तैयारियां भी की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका, हरपाल आपका भी धन्यवाद।